फिल्म फेयर अवार्ड्स की हैरान कर देने वाली दास्तानों में जरा चलेंगे सन 1985 में, जहां पर जबरदस्त एक्टर सामने सामने थे। कैटेगरी बेस्ट एक्टर, दिलीप कुमार फॉर मशाल, अमिताभ बच्चन फॉर शराबी। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान। इन दोनों के सामने कोई नहीं टिक सकता था, ये सभी जानते थे। पर तब भी नसीरुद्दीन शाह नॉमिनेट हुए फिल्म स्पर्श के लिए। एक लफ्ज आप जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा होगा, बेचारा। अब सवाल ये था कि कमर्शियल फिल्म का एक्टर अवार्ड ले जाएगा या फिर पैरेलल सिनेमा का। पर बाजी मार गए उस बरस वो एक्टर जिन्होंने जवानी में बुढ़ापे का किरदार ऐसे पकड़ा कि काफी लंबे समय तक बुढ़ापे ने इनका साथ नहीं छोड़ा। हम बात कर रहे हैं अनुपम खेर की। अनुपम खेर फिल्म सारांश के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड ले गए। टीवी लेने नहीं आया हूं। मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। सभी भौचक के रह गए जब मशाल फिल्म के लिए दिलीप कुमार को अवार्ड नहीं मिला और शराबी के लिए अमिताभ बच्चन को। पर अनुपम खेर की परफॉर्मेंस भी किसी से कम नहीं थी। इसी फिल्म ने अनुपम खेर को अनुपम खेर बना दिया। मैंने चुना आपको, मैंने, मेरी वजह से आप यहाँ इस कुर्सी पर। फिल्म फेयर अवार्ड की और भी हैरान कर देने वाली दास्तानें आने वाले एपिसोड्स में। भारतीय सिनेमा के सुनहरे दौर की और भी अनसुनी कहानियां जानने के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा हिंदी।